गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। तो आज हम बीए फर्स्ट ईयर के सेकंड सेमेस्टर की जो एक्सरसाइजेस कर रहे थे, जो हमने लेसन शुरू किए थे, उसमें फर्स्ट लेसन पिजन्स एट डे ब्रेक की ग्रामर शुरू कर रखी थी हमने। उसमें हमने दो लेक्चर ऑलरेडी सेंटेंस पे बना दिए हैं। आज उसी कंटिन्यूशन में तीसरा लेक्चर है सेंटेंस पे। तो पहले दो लेक्चर्स में हमने सेंटेंस के प्रकार पढ़े और फिर उसकी एक्सरसाइजेस की। आज सेंटेंस के तीन और प्रकार हैं, उनको पढ़ेंगे, सिंपल, कंपाउंड और कॉम्प्लेक्स सेंटेंस, और फिर इनकी एक्सरसाइज करेंगे। तो सबसे पहले तो इनको समझ लेते हैं कि ये होते क्या हैं, फिर इनकी एक्सरसाइज समझने में ज़्यादा आसानी होगी। तो सबसे पहले हमारा है सिंपल सेंटेंस। तो सिंपल सेंटेंस की बहुत ही आसान सी जो आइडेंटिटी है वो क्या है कि एक ऐसा सेंटेंस जिसमें एक तो सब्जेक्ट हो और एक ही उसमें प्रेडिकेट बोलते हैं, लेकिन प्रेडिकेट को आप आसानी से समझ सकते हो कि उसमें एक ही वर्ब हो, बस एक सब्जेक्ट और एक वर्ब जिस सेंटेंस में हो उसको हम सिंपल सेंटेंस बोलेंगे, एज सिंपल एज दिस। जैसे मैं सेंटेंस लिखूं कि रमेश गोज टू टेंपल, रमेश टेंपल जाता है। यहाँ पे आप देखोगे कि रमेश है, ये तो सब्जेक्ट है, एक ही है, और गोज है, ये वर्ब है, ये भी एक ही है। इसमें एक ही सब्जेक्ट और एक ही वर्ब है, तो इस सेंटेंस को हम सिंपल सेंटेंस बोल सकते हैं। तो जहाँ पे एक सब्जेक्ट और एक प्रेडिकेट या एक ही वर्ब हो उसको अपन सिंपल सेंटेंस बोलेंगे। जैसे इसमें दे रखा है इसने कि माई सिस्टर राइट्स पोइट्री, मेरी सिस्टर पोइट्री लिखती है, तो यहाँ पे माई सिस्टर ये सब्जेक्ट हो गया, राइट्स इसमें ये वर्ब हो गई, तो इसलिए ये सिंपल सेंटेंस है। फिर है कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। कॉम्प्लेक्स सेंटेंस क्या होता है, एक ऐसा सेंटेंस जिसमें एक से ज़्यादा तो सब्जेक्ट हो, कम से कम दो सब्जेक्ट, दो ही वर्ब, एक से ज़्यादा सब्जेक्ट, एक से ज़्यादा वर्ब हो, और उसमें क्या होना चाहिए, जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है वो होना चाहिए कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन। अब ये कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन क्या होते हैं, कुछ वर्ड्स होते हैं जो दो सेंटेंसेस को जोड़ते हैं। जैसे एंड है, वो दो सेंटेंस को जोड़ता है, जैसे राम इज ए बॉय एंड सीता इज ए गर्ल। तो इन दो सेंटेंस है, ए बॉय एंड ए गर्ल, इन दोनों को एंड है वो जोड़ रहा है। ऐसे ही बहुत सारे वर्ड हैं, जैसे एंड, एज, बट, और, येट, स्टिल, देयरफॉर, सो फार, एट्सेट्रा। तो ये सारे वर्ड यूज़ करके, यानी इनमें से कोई भी एक वर्ड यूज़ करके दो सेंटेंस को जोड़ा हुआ हो और दोनों सेंटेंस हैं उनमें खुद का सब्जेक्ट हो और खुद की वर्ब हो, यानी कम से कम दो सब्जेक्ट और दो वर्ब हो, उनको हम कंपाउंड सेंटेंस बोलते हैं। जैसे बहुत ही आसान सा एग्जांपल बता रहा हूँ मैं आपको कि राम इज स्लीपिंग एंड श्याम इज ईटिंग। राम सो रहा है, श्याम ईटिंग कर रहा है। तो यहाँ पे देखो, राम एक सब्जेक्ट हो गया, शाम दो सब्जेक्ट हो गए, और स्लीपिंग एक वर्ब होगी, ईटिंग दो वर्ब होगी, और इसमें जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है वो है एंड, यानी कि जो कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन। कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन को आप ना समझ पाओ तो सिंपली वो वर्ड्स जो दो सेंटेंसेस को जोड़ते हैं, जैसे और जो वर्ड है वो सेंटेंस को जोड़ता है, एंड है, येट है, स्टिल है, ये दो सेंटेंसेस को जोड़ते हैं। तो ये वर्ड होना बहुत ज़रूरी है, और एक से ज़्यादा सब्जेक्ट हों और एक से ज़्यादा वर्ब हों उसमें कंपाउंड सेंटेंस होता है। जैसे इन्होंने बुक में एग्जाम्पल दे रखा है कि प्रेरणा नोक्ड एट द डोर, प्रेरणा ने डोर खटकाया, नो वन कम टू ओपन इट। यहाँ पे प्रेरणा और नो वन, ये दो सब्जेक्ट हो गए, नोक्ड और केम, ये दो वर्ब हो गई, और यहाँ पे जो वट वर्ड है ये एज अ कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन के यूज किया गया है, तो इसलिए यहाँ पे ये कंपाउंड सेंटेंस है। उसके बाद है कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। ये थोड़ा सा मुश्किल है लेकिन समझोगे तो बहुत आसान है। इसमें क्या होता है, इसमें सबसे पहले तो आपको क्लॉज समझने की ज़रूरत है कि क्लॉज क्या होता है। क्लॉज वैसे तो उपवाक्य, इसको हिंदी में बोलते हैं उपवाक्य। क्लॉज वही सेंटेंस या फिर मीनिंगफुल ऑर्डर ऑफ वर्ड्स होता है, लेकिन ये पूरा सेंटेंस नहीं होता। तो क्लॉज का सिंपल सा हिसाब किताब ये है कि क्लॉज है उसमें दो प्रकार होते हैं, एक तो होता है मेन क्लोज और दूसरा होता है डिपेंडेंट क्लोज। मेन क्लोज एक ऐसा क्लोज होता है जिसकी पूरी सेंस निकले, जैसे आई गेव द बुक टू रमेश, मैंने एक बुक है वो रमेश को दी, ये पूरी सेंस निकल रही है, इसको तो मेन क्लोज बोलेंगे।
दूसरा होता है डिपेंडेंट क्लोज। डिपेंडेंट क्लोज क्या होता है? ऐसा क्लोज या ऐसा वाक्य जो किसी दूसरे वाक्य पे डिपेंड हो और जिसका खुद पे खुद का कोई मीनिंग ना हो। फॉर एग्जाम्पल, मैं अगर ये लाइन काट दूं और सीधा बोलूं हु इज रीडिंग इट नाउ, हु इज रीडिंग इट नाउ, तो इसका इस सेंटेंस से उसके बिना कोई भी मतलब नहीं निकल रहा है। ये सेंटेंस है वो इस सेंटेंस पे डिपेंड है, डिपेंडेंट क्लोज है ये वाला इसका, तो इसलिए इसको हम डिपेंडेंट क्लोज बोलेंगे। तो कॉम्प्लेक्स सेंटेंस क्या होता है? कॉम्प्लेक्स सेंटेंस वो सेंटेंस होता है जिसमें एक तो मेन क्लोज हो और दूसरा डिपेंडेंट क्लोज हो, यानी एक क्लोज तो पूरा हो जिसकी पूरी सेंस निकल रही हो और दूसरा क्लोज ऐसा हो जो उसके ऊपर डिपेंड हो, जिसकी पहले वाले सेंटेंस के बिना कोई भी सेंस है वो नहीं निकले। जैसे एक और एग्जांपल देता हूँ, यू मस्ट डू इट, तुम्हें ये काम करना चाहिए, इसकी पूरी सेंस निकल रही है। बिफोर यू फॉरगेट, इस जब ताकि तुम इसको भूल ना जाओ। अब देखो तो यू मस्ट डू इट को काट दें तो बिफोर यू फॉरगेट है, इसका कोई मतलब नहीं निकल रहा। तो ये जो बिफोर यू फॉरगेट है ये डिपेंडेंट क्लोज है, डिपेंडेंट बोले तो ये उसके ऊपर डिपेंड है पहले वाले के ऊपर, और यू मस्ट डू इट ये मेन क्लोज है, यानी इसकी पूरी मीनिंग निकल रही है अपने आप में, ये स्टैंड रह सकता है, तो इसलिए यहाँ पे इसको हम कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बोलेंगे। तो कॉम्प्लेक्स सेंटेंस वो होता है जिसमें एक सेंटेंस तो ऐसा हो जो जिसकी पूरी सेंस निकल रही हो, मीनिंग निकल रहा हो, और दूसरा सेंटेंस ऐसा हो जिसका जिसकी अपने आप में कोई सेंस ना निकले और जो पहले वाला सेंटेंस है उसके ऊपर डिपेंड रहे, तो ये कॉम्प्लेक्स सेंटेंस होता है। ठीक है, तो ये तीनों प्रकार के सेंटेंस हैं। अब इनकी एक्सरसाइजेज कैसे आ सकती हैं आपके? तो आपको जैसे पहली एक्सरसाइज है कि कंबाइन द फॉलोइंग सेंटेंसेस टू मेक कंपाउंड सेंटेंस। आपको क्या है, दो सेंटेंस दिए हुए होंगे, आपको उनको मिलाना है यानी एक बनाना है, प्लस आपको कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन। कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन क्या होता है? एज, व्हाट, और, स्टिल, देयरफॉर, अदरवाइज, इन वर्ड्स का यूज करके आपको उन सेंटेंस को एक बनाना है। बहुत आसान है, आप सेंटेंस को समझ लीजिए, बिल्कुल भी मुश्किल नहीं होने वाली। जैसे आकाश इज हार्ड वर्किंग, ही विल सक्सीड। आपको इन दोनों को एक सेंटेंस बनाना है। तो आकाश हार्ड वर्किंग है और वो सक्सीड यानी वो सफलता प्राप्त कर लेगा। तो आकाश इज हार्ड वर्किंग एंड ही विल सक्सीड। बहुत आसान है, आपको एंड लगाना है, फुल स्टॉप हटाना है और बाकी दोनों सेंटेंस का एक बना देना है। तो इसमें एंड लगाना पड़ेगा आपको, और कुछ भी लगाने की आवश्यकता नहीं है। उसके बाद है, माई ग्रांड मदर वॉज इल, आई वेंट टू हॉस्पिटल टू अटेंड हर। मेरी ग्रांड मदर हैं, मेरी दादी माँ हैं, वो इल थी, बीमार थी, तो मैं इसलिए मेरे को हॉस्पिटल जाना पड़ा। तो इसलिए वर्ड यूज़ किया मैंने, तो इसलिए कि वो इंग्लिश में बोलते हैं। सो तो माई ग्रांड मदर वॉज इल सो आई वेंट टू हॉस्पिटल टू अटेंड हर, यानी आपको फुल स्टॉप हटा के सो लगाना है, बाकी सेम रहेगा। बहुत ही आसान है, कोई भी मुश्किल नहीं है। उसके बाद है, वाइज मैन प्रेफर क्वालिटी, फूल्स प्रेफर क्वांटिटी। जो वाइज होते हैं, जो समझदार होते हैं, वो तो क्वालिटी देखते हैं, और जो मूर्ख होते हैं वो क्वांटिटी यानी मात्रा देखते हैं। तो यहाँ पे आपको कुछ भी नहीं करना कि वाइज मैन ये करते हैं, जबकि जबकि वर्ड यूज़ कर रहे हैं, फूल्स क्वांटिटी प्रेफर करते हैं, तो जबकि को हम बोलते हैं वाइल। तो वाइज मैन प्रेफर क्वालिटी, वाइल फूल्स प्रेफर क्वांटिटी। तो यहाँ पे वाइल वर्ड यूज़ कर दीजिए, बाकी सब एज इट इज़ रहेगा। तो आपको सिर्फ एक ही वर्ड यूज़ करना है और फुल स्टॉप हटा के उन दोनों को सेंटेंसेस को एक बना देना है। नेक्स्ट है, वी लव्ड हर, वी ऑनर्ड हर। हम उससे प्यार करते हैं और हम उसकी इज्जत करते हैं। तो वी लव्ड हर, वी लव्ड हर एंड वी ऑनर्ड हर। यहाँ पे आप एंड लगा दीजिए और आपका काम बन जाएगा, कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। तो सिर्फ एंड लगा के फुल स्टॉप बटाना है, बाकी सही है। माई मदर गेव मी एन अम्ब्रेला, इट वॉज रेनिंग। मेरी मदर ने मेरे को अम्ब्रेला दिया, एक छाता दिया, क्योंकि बारिश हो रही थी। तो क्योंकि को हम बोलते हैं बिकॉज। तो आपने क्या लिखना है, माई मदर गेव मी एन अम्ब्रेला बिकॉज इट वॉज रेनिंग। फुल स्टॉप बटा के बिकॉज लगा देना है, बाकी सेम रहेगा। तो बहुत आसान एक्सरसाइज है, सिर्फ और सिर्फ आपको समझने की आवश्यकता है कि
जो सेंटेंस में बोलना क्या चाह रहा है। उसके बाद है राम वर्क ऑल डे ही डिडंट फिनिश हिज वर्क, राम ने पूरा दिन काम किया फिर भी वो अपना काम पूरा नहीं कर सका, तो फिर भी को हम इंग्लिश में बोलते हैं येट। तो राम वर्क ऑल डे येट ही डिडंट फिनिश हिज वर्क, तो येट लगा दो, बाकी एज इट इज रहेगा। उसके बाद है परमेश्वर वॉज स्टडिंग और परमेंद्र वॉज स्टडिंग परमेश वॉज प्लेइंग क्रिकेट, तो परमेश्वर स्टडी कर रहा था और परमेंद्र खेल रहा था, क्रिकेट खेल रहा था। तो यहाँ पे दो चीज़ें आप लगा सकते हो, क्या क्या, परमेश्वर वॉज स्टडिंग एंड परमेंद्र वॉज स्टडिंग एंड परमेश वॉज प्लेइंग क्रिकेट एंड लगा सकते हो, या फिर आप यहाँ पे लगा सकते हो बट, कि परमेश्वर वॉज स्टडिंग बट परमेश वॉज प्लेइंग क्रिकेट। तो आपको दोनों में से जो भी ठीक लगे आप लगा सकते हो। ध्यान रखना जब दो सेंटेंस मिला रहे हो तो फुल स्टॉप बीच में नहीं लगाना है, आपको बिना फुल स्टॉप के यूज करना है। और जो फर्स्ट वर्ड है, जैसे यहाँ तो नेम है तो पी बड़ा रखेंगे, नहीं तो अगर ही लिखना है तो आपको एच है वो स्मॉल लिखना पड़ेगा। दिस शर्ट कैन नॉट बी माइन, इट इज़ टू लार्ज, ये शर्ट मेरी नहीं हो सकती क्योंकि ये बहुत ज़्यादा बड़ी है। तो क्योंकि को हम बोलते हैं बिकॉज, तो यहाँ पे दिस शर्ट कैन नॉट बी माइन बिकॉज इट इज़ टू लार्ज, तो आपको बिकॉज लगा के और इसको कंप्लीट कर देना है। फिर है ड्राइव फास्ट यू विल मिस द ट्रेन, क्या तेज चलाओ नहीं तो मिस ट्रेन है वो मिस हो जाएगी, तो यहाँ पे अदरवाइज लगा देना आप कि ड्राइव फास्ट अदरवाइज यू विल मिस द ट्रेन, बाकी सेम रहेगा, कोई दिक्कत नहीं है। यू शुड हेल्प मी, आई शुड डू द टास्क अलोन, तुम्हें मेरी हेल्प करनी चाहिए नहीं तो मैं ये काम खुद कर लूँगा, तो यहाँ पे भी आप या तो अदरवाइज लगा सकते हो या फिर और वर्ड का यूज कर सकते हो, यू शुड हेल्प मी और आई शैल डू द टास्क अलोन, या फिर यू शुड हेल्प मी अदरवाइज आई शैल डू द टास्क अलोन। बहुत ही आसान है, कोई भी मुश्किल चीज़ नहीं है, आपको सिर्फ एक वर्ड यूज़ करना है, फुल स्टॉप हटाना है और एक सेंटेंस बना देना है, ठीक है। ये कंपाउंड सेंटेंस है, ध्यान रखना, आपको जब पेपर में आए तो आपको स्टेटमेंट जरूर पढ़नी है कि क्या करना है, अगर कंपाउंड है तो आपको ये वर्ड्स लगाने, अदरवाइज ये वर्ड्स नहीं लगाने। हाँ जी, उसके बाद फिल इन द ब्लैंक्स विद एप्रोप्रिएट क्लोजेस टू फॉर्म कॉम्प्लेक्स सेंटेंस, हमें कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बनाना है और क्या करना है कि एक तो हमें सेंटेंस दिया हुआ होगा, उस सेंटेंस को देख के हमने आगे या पीछे उसके एक सेंटेंस लगाना है और हमने देखना है कि वो सेंटेंस है वो मेन क्लोज है या डिपेंड, मेन और डिपेंडेंट क्या है कि वो सेंटेंस अपने आप में कंप्लीट है या फिर हमें कंप्लीट वाला लगाना है। तो दोनों, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस का मैंने बताया था, इसमें दो सेंटेंस होते हैं, एक सेंटेंस कंप्लीट होता है और दूसरा सेंटेंस है, एक क्लोज कंप्लीट होता है, दूसरा क्लोज है वो उसके ऊपर डिपेंड होता है, तो जो भी हो हमें उसी अकॉर्डिंगली उसको कंप्लीट करना है। तो जैसे मैं आपको इसका एग्जांपल देता हूँ तो आपको अच्छे से समझ आ जाएगा, जैसे खालिस्तान दिया हुआ है ही इज़ ऑनेस्ट, कि वो ऑनेस्ट है, ये अपने आप में कंप्लीट है, ये वाला सेंटेंस जो ही इज़ ऑनेस्ट है, तो हमें क्या करना है इसको एक डिपेंडेंट क्लोज लगाना है। तो डिपेंडेंट क्लोज क्या बन सकता है कि दो ही इज़ पुअर, कि हालांकि वो पुअर है ही इज़ ऑनेस्ट, फिर भी वो क्या है ऑनेस्ट है। तो यहाँ पे दो वर्ड का यूज़ करोगे आप और सारा कुछ सही हो जाएगा। अब आप देखो कि ही इज़ ऑनेस्ट तो अपने आप में कंप्लीट है, लेकिन दो ही इज़ पुअर, अगर मैं बोलूँ कि दो ही इज़ पुअर, ये अपने आप में कंप्लीट नहीं है, इसको डिपेंड रहना पड़ रहा है अगले पे, तो हमने क्या किया, ये एक डिपेंडेंट क्लोज लगा दिया और मेन क्लोज हमें ऑलरेडी दिया हुआ था, तो आपने क्या लिखना है, दो ही इज़ पुअर कोमा ही इज़ ऑनेस्ट, तो ये सेंटेंस बन जाएगा। माई मदर नोज द गर्ल, मेरी मदर उस लड़की को जानती है, तो यहाँ पे माई मदर नोज द गर्ल, ये एक डिपेंडेंट क्लोज है, यानी कि ये कंप्लीट नहीं है, तो हम इसका एक आगे क्या कैसे कंप्लीट कर सकते हैं, माई मदर नोज द गर्ल हु वॉन द कॉन्टेस्ट, जिसने जो कॉन्टेस्ट है वो जीता था, माई मदर नोज द गर्ल हु वॉन द कॉन्टेस्ट, तो ये सेंटेंस अपने आप में कंप्लीट बन जाएगा। आपकी गाइड में भी दिया होगा, अगर आपको वो आसान लगे तो आप वो भी लिख सकते हो। द टीचर इन्फॉर्म, टीचर ने हमें इन्फॉर्म किया, तो इस पे आप कोई भी लिख सकते हो, कोई भी मतलब टीचर ने आपको कोई भी बात बोली हो सकती है, जैसे द टीचर इन्फॉर्म्ड दैट द सन राइजेज इन द ईस्ट,
सन है वो ईस्ट में उगता है या निकलता है, बस कोई भी लाइन आप यहाँ पे जो सर्व मान्य सत्य जो आपने पढ़े हुए हैं उनमें से कोई भी लाइन है आप यहाँ पे लिख सकते हो, तो आपका सेंटेंस है वो कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद है आई कुड नॉट स्लीप लास्ट नाइट, मैं लास्ट नाइट सो नहीं सका, क्यों? अब यहाँ पे आप एक ऐसी चीज़ दो जिससे ये सेंटेंस है वो पूरा हो जाए, तो आप लिख सकते हो बिकॉज आई हैड पेन, सॉरी ही कुड नॉट स्लीप लास्ट नाइट, वो नहीं सो सका, तो यहाँ पे भी ही आएगा, बिकॉज ही हैड पेन इन हिज स्टोमक, उसके पेट में दर्द था इसलिए वो रात में सो नहीं सका, एज सिंपल एज दिस। तो आप ऐसे ही इसको कंप्लीट कर सकते हो, आपके गाइड में भी दिए हुए हैं, आप उनकी भी हेल्प ले सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। उसके बाद है डैश इज अ ग्रेट ऑनर टू मी, कि ये मेरे लिए बहुत इज्जत की बात थी, मान मर्यादा की बात थी, तो टू बिकम द प्रेजिडेंट ऑफ कॉलेज, के कॉलेज का प्रेजिडेंट होना मेरे लिए एक इज्जत की बात थी। तो गाइड में भी आपके दिए होंगे, कुछ कुछ भी आप लिख सकते हो, कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, तो हम इस सेंटेंस को ऐसे कंप्लीट कर सकते हैं। द कॉलेज इज नियर बाई, कि कॉलेज वो कॉलेज नियर बाई है, तो यहाँ पे आप लिख सकते हो द कॉलेज दैट आई हैव ज्वाइंड, जो कॉलेज मैंने ज्वाइन किया हुआ है इज नियर बाई दैट आई हैव ज्वाइंड, कि वो कॉलेज जो मैंने ज्वाइन किया हुआ है वो बहुत ही नज़दीक है, कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद है C8, उसने वही चीज़ खाई, तो क्या चीज़ खाई हो सकती है? C8 बट द डॉक्टर एडवाइज्ड हर, जो डॉक्टर ने उसको एडवाइज़ की थी वही चीज़ है उसने खाई, तो एज सिंपल एज दिस। यहाँ पे आप देखना 8 सेकेंड फॉर्म है, तो आपको यहाँ पे सेकेंड फॉर्म का ही यूज़ करना है। उसके बाद है राहुल वॉज अफ्रेड, राहुल डर रहा था, किस चीज़ से डर रहा था? आप कुछ भी लिख सकते हो कि राहुल डर रहा था दैट, राहुल डर रहा था दैट ही वुड मिस द ट्रेन, वो ट्रेन को मिस कर देगा, इस चीज़ से वो डर रहा था, तो आप ऐसे लिख सकते हो और कोई भी सेंटेंस लिख सकते हो। ये आगे एक प्रोवर्ब है, एक लोकोक्ति मुहावरा है कि भी जब लोहा गर्म हो तो उस पर हथौड़ा तभी मारना चाहिए, तो स्ट्राइक द आयरन व्हेन इट इज हॉट, ये प्रोवर्ब है, इसमें आप और कुछ भी नहीं लिख सकते, यही लिखना पड़ेगा कि जब लोहा गर्म हो तो उसके ऊपर आपको हथौड़ा मार देना चाहिए। फिर लास्ट है डैश द ऑडियंस रोज टू देयर फीट, के ऑडियंस है अपने पैरों पे खड़ी हो गई, तो यूं आप लिख सकते हो कि व्हेन द एक्टर एंटर्ड द रूम, जैसे ही एक्टर है वो रूम में एंटर हुआ द ऑडियंस रोज टू देयर फीट, ऑडियंस है वो खड़ी हो गई, रूम की जगह आप लिख सकते हो हॉल, के जैसे ही एक्टर ने हॉल में एंट्री की तो ऑडियंस है वो खड़ी हो गई। तो आप ध्यान रखना एंटर्ड है, इसके बाद इन नहीं लगता है, एंटर्ड इन द रूम नहीं आएगा या इन द हॉल नहीं आएगा, एंटर्ड अपने आप में कंप्लीट सेंस देता है, तो एंटर्ड द हॉल लिखना है आपको, व्हेन द एक्टर या एक्ट्रेस या प्राइम मिनिस्टर या प्रेजिडेंट या किसी भी एक्टर का नेम, राम श्याम रमेश, कोई भी वर्ड लिख दो यहाँ पे, एंटर्ड द हॉल द ऑडियंस रोज टू देयर फीट, ये आप लिख सकते हो। तो ये दो एक्सरसाइजेज हैं, पहले सेंटेंस वाले में से कम दो नंबर का इसमें से आपके काम आएगा, तो टोटल 4 नंबर का काम है, वो आपको पेपर में कंप्लीट हो जाएगा। और इसकी गाइडेड कंपोजिशन है, यानी कि जो एसे है वो हम ऑलरेडी कर चुके हैं, क्या क्लीनलीनेस इज नेक्स्ट टू गॉडलीनेस, यानी आप जहाँ पे क्लीनलीनेस यानी कि जहाँ पे सफाई होती है वहाँ पे भगवान का वास होता है, या वैल्यू ऑफ क्लीनलीनेस, तो आप ये कर चुके हो, और इसको जिसने नहीं की है वो इसको कर लेना। ओके, थैंक यू वेरी मच।